फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल यू के आशु आर्ट में। आज बनाने वाला हूँ माँ धारी देवी की पेंटिंग, और जो बनेगा एक्रेलिक कलर से। तो वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो की पूरी प्रोसेस बताऊँगा पेंटिंग की। तो सबसे पहले मैंने चौक से ड्रॉ कर लिया है पूरा स्केच। उसके बाद इसमें मैं जो मिड टोन का कलर है या फ्लैट कलर है मीडियम टोन का, उसको मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने इसमें इसके जो फीचर्स हैं फेस के, वो ऐड किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ आया हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी यूज़ नहीं किया है मैंने, और लास्ट में हाईलाइट कलर यूज़ करेंगे। इस तरह से एक बेस प्रोसेस में चलना पड़ता है। और कैनवास है 18-24 इंच का, कलर्स हैं कैमिल और मोंटमार्टे के, तो काफ़ी अच्छे कलर हैं। और सब जगह थोड़ा थोड़ा बेस तैयार करते हुए उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे, जिस तरह से मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी यूज़ नहीं किया है। तो जहाँ पे रियल में डार्क कलर है वहाँ पे कुछ यूज किया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। तो यहाँ पे ऊपर साड़ी का पार्ट, तो आप पूरी प्रोसेस देखते रहिए, आपको और ड्राइंग करने में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा थिक कलर यूज़ नहीं किया है मैंने, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखा है। तो चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं या अपने कुछ स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं पेंटिंग बनाने के, अगर आपको ऐसे पसंद आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही सब जगह थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग ऐड करते जा रहा हूँ, और फोकस में रहेगा हमारा जो माता का फेस है वाला पार्ट। और यहाँ पे भी मैंने जो नथ है उसको बेस तैयार कर लिया है। उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग ऐड होगी उसके, और जो आप बेस तैयार करेंगे उसको कुछ ड्राई होने दें। उसके बाद उसमें अलग अलग उसमें डिटेलिंग ऐड करें, जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद। हाँ, गीले में ना करें, तो अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो गीले गीले में कर सकते हैं। तो एक टोन सूखने के बाद दूसरे के बाद ऐसे ऐसे टोन्स बनाते जाएंगे अलग अलग कलर्स की। जो हाईलाइट पार्ट आएगा वो लास्ट में आएगा। जो साइड एरियाज हैं फ्लावर्स और सामने जो बर्तन है घंटी है, उसमें मैंने डिटेलिंग थोड़ा कम ऐड किया है। तो फोकल पॉइंट में जो है वो है फेस, तो फेस एरिया, और जो उसको मैंने डिटेल में रखा है। फ्लावर में भी पहले बेस कलर मार दिया है उसका मीडियम टोन का, उसके बाद उसमें डार्क कलर का, तो लास्ट में फिर उसका वाइट टोन बना करके लाइट वो अप्लाई किया है। तो ये पूरा पैच में होगा इसी वाला का वर्क। सारा वर्क फ्री हैंड किया है, और फ्री हैंड ही करना चाहिए। आप मान लीजिए वॉल पेंटिंग में करते हैं तो, या किसी और भी
या लाइव करते हैं तो फ्री एंडी आपको हेल्प करता है। और हर जगह तो आप ग्रिड मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यही आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं अलग अलग वर्क में, तो ग्रिड मेथड को थोड़ा कम ही यूज करें, बहुत रेयर कंडीशन में। तो फ्री हैंड में कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है वर्क करने का। थोड़ा और डार्क कलर लिया है मैंने फ्लावर्स के लिए, जो माला है उसके लिए। ज़रूरी नहीं आप इसी मेथड में करें, और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो अलग टेक्निक से भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं भी इस तरह से ना करूं, अलग तरीके से वर्क करूं, तो चेंजेस आते रहेंगे। तो आप काम करते रहेंगे तो नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। फोरग्राउंड पार्ट में अब वर्क होगा कुछ। तो बीच बीच में अगर आप काफ़ी बड़े साइज की पेंटिंग बना रहे हैं तो उसको थोड़ा डिस्टेंस से जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो हाईलाइट पार्ट है तो वाइट का यूज लास्ट में करेंगे हम। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ इसमें। इसमें ब्लैक कलर की साड़ी थी ऊपर से, जो मैंने एक पहले पेंटिंग बनाई थी, और इसमें थोड़ा चेंज करवाया है तो इसमें मैंने रेड कलर की कर दी है, और कुछ और चीज़ें भी मैंने थोड़ा एडजस्ट किया साथ में। तो फिर से आपको बता देता हूँ, पहले आप बेस से अप्लाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, और उसके बाद थोड़ा और डार्क उसमें वर्क कर लेंगे, जो उसमें डिज़ाइंस होंगे या आप उसमें कोई और टोन होगी वो निकाल लेंगे। फिर उसमें लाइट हाईलाइट वाला पार्ट निकालेंगे, लाइट या हाईलाइट, उससे लाइट उसमें डिटेलिंग और वो वाला काम होता जाएगा। फिर साइड एरिया मैं ब्लर कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कितना कलर ऐड करना है, कितना उसमें वाइट मिक्स करना है। थोड़ा बहुत गोल्डन कलर भी यूज किया है। तो आप पहले कम शेड में वर्क करें, लिमिटेड कलर, तो बाद में आप खुद आपको जो कलर्स पसंद आएंगे धीरे धीरे, तो आप अपने कलर की वैरायटी बढ़ाते जाएंगे। तो कलर्स आप खुद चुनेंगे, उसके बाद आप वो वाले कलर यूज़ करेंगे।
शुरू में ही बहुत सारे कलर यूज़ करने से कन्फ्यूजन बन जाता है और उतना नॉलेज भी नहीं होता है कलर मिक्सिंग का, तो कम कलर यूज़ करिए चाहे कोई भी मीडियम हो। जैसे यहाँ पे अब मैं हाईलाइट पार्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें, लिख दीजिए कमेंट में जय माँ धारी देवी। इसका बैकग्राउंड बदलने की ज़रूरत है तो मैं इसे अब थोड़ा चेंज करूँगा। तो फाइनली पूरी हो चुकी है, इसमें और भी वर्क कर सकते हैं, वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट पे डिपेंड है या आप कितना और करना चाहते हैं। तो मुझे इतने पे इनफ लगता है, आई होप आपको भी पसंद आ रही होगी। तो धन्यवाद आपसे।